लॉकडाउन के दौरान गुरुवार को महवा मंडी में फलों के दामों में गिरावट देखने को मिली है, जिसमें संतरे का रेट 35 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो, तरबूजा 12 रुपए से 15 रुपए किलो, अंगूर 25 से 35 रुपए किलो देखने को मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल व्यापारी अनूप कुमार सोनकर और फल मंडी के महामंत्री विजय कुमार सोनकर ने कहा, संतरे का संतरा है 45 रुपए तक की और 30 रुपए है। अनूप कुमार सोनकर, देखिए यहाँ संतरे का रेट 30 रुपए से लेके 42-43 रुपए किलो तक का है, और ये अंगूर का रेट, अंगूर का रेट समझिए 6 किलो 150 रुपए डब्बा बिक रहा है। सर, जो लोग ले आकर यहाँ से फुटकर ले आकर बेचते हैं, उनके लिए क्या अपील है आपके द्वारा? नहीं, फुटकर जो ले जा रहे हैं उनको 2-3 रुपए किलो रख के बेचना चाहिए। नागरिकों से क्या अपील है लॉकडाउन को देखते हुए आपके द्वारा? लॉकडाउन को देखते हुए कि लोग अपने घर में रहें, जो जरूरत सामान हो लेके अपना लेके और जाएं। विजय कुमार सोनकर, महामंत्री फल मंडी। नहीं श्रीमान जी, फलों के रेट में जो हमारे होलसेल की मंडी है यहाँ कोई इजाफा नहीं हुआ है, और हम लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन करते हुए अपने व्यापार को कर रहे हैं। लिहाजा ये कि हमारी अराइवल तो ठीक चल रही है, अराइवल भी आ रही है, लेकिन माल पैकार खरीदार न होने की वजह से हम लोग को दिक्कत झेलनी पड़ रही है, और जो ही लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे फल व्यापारियों को हुआ है। और रेट में 2-4 फलों का रेट बता दें। अब संतरे का जो रेट है यहाँ पे लेटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 35 से लेकर के 45 रुपये तक की पोजिशन है, 35 से 40-45 तक की है। आपका तरबूजा यहाँ पे बिक रहा है 12 से लेकर 15 रुपये तक का, अंगूर बिक रहा है आपका 30 रुपये, माने 25 से लेकर 30-35 रुपए तक की पोजीशन है, और डिमांड ना होने की वजह से हमारे रेट का कोई फ्लक्चुएट करने, हमारे होलसेल मंडी रेट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और हमारा सहयोग बराबर बना है कि जनता को कोई चीज़ जो भी चीज़ें मिले जो सस्ते दरों पे मिले। नागरिकों सर क्या अपील है आपका? हमारी अपील है कि वो घबराए नहीं, शासन और प्रशासन दोनों सुरक्षा की दृष्टि से अपना जो भी सहयोग दे रहा है हम उसका नियमों का पालन करें, और घबराने की जरूरत नहीं, हर चीज़ों की सुविधा उपलब्ध बराबर रहेगी, और प्रशासन का यही है कि डोर टू डोर भी हम व्यवस्था दें, अगर कोई ऐसी आफत आएगी तो हम डोर टू डोर व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।